नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, उसके कारण कोई ग्रामर की वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। टाइम बहुत कम बचता है, इतना ही समय मिलता है मुझे, कभी देखिए 8 बजे कभी 9 बजे, तो मुश्किल से बहुत मतलब तैयारी करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। इसलिए अभी कुछ दिनों से स्टोरी ला रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी बहुत सारे ग्रामर्स के वीडियो मैंने बनाए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और इसमें वैसे तो आपको पढ़ना और इसमें आपको ग्रामर इसमें भी सीखने को मिलता है, नए नए वर्ड, उसके प्रोनंसिएशन, स्टोरी बहुत अच्छी होती है, तो सब वीडियो फ़ायदेमंद है। लेकिन आपको कुछ अलग चाहिए तो वो भी मैं लेकर आने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है डू व्हाट यू से, डू यानि करो, व्हाट यू से आप जो कहते हैं, व्हाट यानि क्या भी होता है लेकिन जो के लिए व्हाट का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप जो कहते हैं वो करो, ठीक है, डू यानि करना। वंस अ पुअर एंड लोनली ओल्ड मैन लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। एक बार एक गरीब और अकेला बूढ़ा आदमी, जिसे बुजुर्ग भी बोल सकते हैं, लिव्ड रहता था। यदि लिव्स होता है तो रहता है हो जाता, उसका सेकेंड फॉर्म वो आपका रहता था। इन यानि में, अ स्मॉल एक छोटे से विलेज यानि गाँव। अब पूरा वर्ड क्या मीनिंग आपको पता चल गया, अब आसानी से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं कि एक बार गरीब और अकेला बूढ़ा आदमी एक छोटे से गांव में रहता था। मैनी अ टाइम्स, मैनी अ टाइम्स यानी होता है कई बार, है ना, कई बार, बहुत बार। ही वुड से, वह वुड से कहा करता था या कहता था, तो वहां पे वुड का यूज करते हैं। वुड का आपको हर बार यूज बताता हूं मैं, एक वुड का यूज ये भी होता है, विल की जगह वुड का यूज करते हैं, जाएगा खाएगा फ्यूचर टेंस के लिए। पास्ट में, पास्ट टेंस की स्टोरी में यदि फ्यूचर टेंस की बात हो रही हो तो फिर भी वुड का यूज कर, और एक वुड है ना कुछ चीज करता था तो फिर भी वहां पे वुड का यूज करते हैं। तो ही वुड से, वो कहता था, कहा करता था। आई हैव नो फैमिली, आई यानि मैं या मेरे पास, हैव यानि है, नो यानि नहीं, फैमिली यानि परिवार। आई हैव नो फैमिली, मेरे पास परिवार नहीं है या मेरा परिवार नहीं है, ऐसे पास बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन हैव यानी किसी के पास कुछ है तो हम हैव का यूज़ करते हैं, नो यानी नहीं, तो मेरा परिवार नहीं है। इट वुड बी बेटर इफ आई वॉज डेड। इट, ये वुड बी होगा, देखिए यहाँ पे वुड का यूज कैसे करें फ्यूचर टेंस, क्या होगा, बेटर यानी ये अच्छा होगा, इफ यदि आई वॉज डेड, मैं क्या होता, यदि मैं मर गया होता। इट वुड बी बेटर इफ आई वॉज, हाँ ये क्या होता, अच्छा होता यदि मैं क्या होता, मर जाता। या इसको सरल शब्दों में बोले तो कैसे बोलेंगे, मैं मर ही जाता तो अच्छा था, ऐसे मैं मर ही जाता तो अच्छा था। एवरी मॉर्निंग यानि हर सुबह, ही वेंट टू द फॉरेस्ट, ही यानि वह वेंट जाता था, ठीक है, गो का सेकेंड फॉर्म वर्ब का वेंट होता तो जाता था, टू कहाँ जाता था तो हम प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते, द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी होता है जंगल, हर सुबह वह जंगल जाता था। ही वुड कट सम ट्रीज, वह है ना वुड करता था कट, वह काटता था सम ट्रीज, कुछ पेड़ों को, कुछ वृक्षों को काटता था। एंड गैदर द वुड्स इन अ बंडल, और गैदर, गैदर यानी होता है इकट्ठा करना, और इकट्ठा करता था द वुड्स यानी लकड़ियों को, वुड्स लकड़ियों को, इन यानी में अ बंडल, बंडल यानी क्या होता है, बंडल यानी गठरी है ना, लकड़ियों की जो गठरी होती है ना ऐसे बंडल, उसको बंडल कहते हैं, और लकड़ियों की इकट्ठा करके उसका बंडल बनाता था। देन ही वुड सेल इट इन द मार्केट, फिर वह है ना वुड सेल बेचता था, इट यानी उसे, इसे उसे दोनों होता है, पास्ट मिनट यानी उसे बोल देते हैं, इन यानी में द मार्केट बाजार में, और फिर उसे बाजार में बेच देता था लकड़ियों को इकट्ठा करके। विथ हिज अर्न मनी, विथ यानी से, हिज यानी उसके या फिर अपने, अर्न यानी कमाई हुई, मनी अपने कमाए हुए पैसों से, ही वुड ईट सम फूड एट अ स्मॉल फूड स्टॉल। ही वुड ईट, वो खाता था सम फूड, कुछ खाना या कुछ भोजन, एट किसी छोटे जगह का नाम का यूज़, मतलब छोटे जगह के बारे में बताते हैं तो ज़्यादातर आप एट का यूज़ देखेंगे, है ना, बड़ी जगह है तो हम इन का यूज़ करते हैं। तो अ स्मॉल फूड स्टॉल, एक छोटे से फूड स्टॉल यानी क्या होता है,
जो खाने का ठेला वेला लगाते हैं, जो फूड स्टॉल बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या करता था, वो खाता था जो भी पैसा कमाता था। वंस, एक बार, ही हैड हाई फीवर, ही हैड, उसे क्या हो गया था, तेज बुखार, तो उसे हाई फीवर था, उसे तेज बुखार था, तो कुछ चीज़ था तो मैंने बोला ना हैड का यूज़ करते हैं, तो वैसे तेज बुखार था। बट ही स्टिल वेंट टू वर्क, लेकिन वह स्टिल यानी फिर भी वेंट गया टू वर्क, काम करने के लिए, बिकॉज क्योंकि, इफ ही वुड नॉट गो, यदि वह नहीं जाता, है ना, यदि वो क्या नहीं करता, ही वुड नॉट गेट द मनी फॉर, हाँ, तो यदि वो नहीं जाएगा, वुड यहाँ पे विल की जगह वुड का यूज कर रहे हैं, यदि वो नहीं जाएगा देन, फिर ही वुड नॉट, उसे नहीं मिलेगा, गेट यानी मिलना, प्राप्त नहीं होगा द मनी, पैसे, फॉर फूड यानी भोजन के लिए, ठीक है, यदि वो नहीं जाएगा तो उसे भोजन नहीं मिलेगा, मतलब भोजन के लिए पैसे नहीं मिलेंगे, एंड मेडिसिन, मेडिसिन यानी दवाई, और दवाइयाँ नहीं मिलेगा, इसलिए उसे जाना ही था। एज ही वॉज कैरिंग बैग द बंडल ऑफ वुड्स, एज यानी जैसे ही वॉज कैरिंग, कैरिंग यानी होता है जैसे वो उठा रहा था, बैग यानी ले जा रहा था, कैरी करने ले जाना भी होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज या वर के साथ एनजी फॉर्म रहा था, रहे थे, अपने पीठ पर बंडल को, जैसे वो लकड़ियों के बंडल को ले जा रहा था, ही अगेन सेड, उसने फिर से कहा आई हैव नो वन टू हेल्प मी, आई हैव नो यानी मेरे पास नहीं है, नो वन यानी कोई भी, सॉरी, नो वन यानी कोई भी नहीं, मेरे पास कोई भी नहीं है, टू हेल्प मी, मेरी मदद करने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो भाई उसने फिर कहा कि मेरे पास कोई मदद करने के लिए नहीं है, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया था ना, भाई यदि वो नहीं जाता तो उसे पैसे नहीं मिलते, तो इसलिए उसे जाना पड़ा, और तो भी क्या बोल रहा है कि कोई मेरी मदद के लिए नहीं है, आई विश यानी मेरी इच्छा है, आई कुछ इच्छा मांगते हैं, कुछ विश मांगते हैं, तो बोलते हैं आई विश, मेरी इच्छा है या मैं चाहता हूँ, यमराज टेक्स मी अवे, यमराज आपको बताया मृत्यु के देवता जो जान सबके लेके जाते हैं, टेक्स मी अवे, मुझे ले जाते, टेक्स यानी ले जाते, ऐसे ही ऐसा लगा है, तो यमराज मुझे ले जाते, मेरी इच्छा है, देखो बोल तो दिया, यमराज द लॉर्ड ऑफ डेथ, है ना, यमराज द लॉर्ड ऑफ डेथ यानी होता है मृत्यु के देवता, उसे लॉर्ड कहते हैं, मृत्यु के देवता, वॉस पासिंग बाय, पासिंग बाय ने गुजर रहे थे, क्या कर रहे थे, वहां से गुजर रहे थे, ही हर्ड द ओल्ड मैंस वॉइस, ही हर्ड, और उन्होंने क्या किया, हर्ड यानी सुनी, हियर नहीं बोलेंगे, हियर यानी सुनना होता है, बस उसका सेकंड वॉर्ड हर्ड होता है, और उन्होंने सुना द ओल्ड मैंस, बूढ़े आदमी की, अपोस्ट्रोफी कॉमा काकी के, बूढ़े आदमी की आवाज को सुनी, सो ही अपीयर्ड बिफोर द ओल्ड मैन, सो यानी तो, इसलिए बहुत सारा मतलब होता है, तो वो क्या हुए, अपीयर्ड, प्रकट हो गए, प्रकट, अपीयर्ड यानी होता है सामने दिखाई देना, प्रकट हो जाना, बिफोर यानी पहले भी होता है, बिफोर यानी सामने भी होता है, सामने बोलेंगे द ओल्ड मैन, और बूढ़े आदमी के सामने प्रकट हो गए, एंड आस्क्ड हिम टू कंपनी, सॉरी अकंपनी हिम, और आस्क्ड यानी कहा, देखिए आस्क यानी पूछना भी होता है, और आस्क्ड यानी किसी को कुछ चीज़ करने के लिए विनती करना या आज्ञा देना कि चलो ये करो या फिर ये मेरे लिए ये कर दो, तो आस्क का यूज़ करते हैं, और उन्होंने उससे कहा टू अकंपनी, अकंपनी यानी होता है साथी बनने के लिए, मेरे साथ चलो, ऐसे बोलता ना, साथी बनो, हिम यानी उनके, टू हैवन यानी स्वर्ग तक, चलो मेरे साथ स्वर्ग तक चलो, है ना, वो बोला ना काश यमराज मुझे आके ले जाते, तो यमराज आए बोले चलो मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ, चलो स्वर्ग तक चलो, विथ हिम यानी उसके साथ यानी मेरे साथ चलो, यमराज ने कहा कि उसके साथ उनके साथ चलो, बट द ओल्ड मैन गॉट स्केयर्ड एंड सैड, लेकिन बूढ़ा आदमी गॉट स्केयर्ड यानी गॉट स्केयर्ड यानी डर गया, एंड सैड और कहा ओ अरे आई वॉज ओनली आस्किंग फॉर सम हेल्प, आई वॉज ओनली मैं सिर्फ आस्किंग, आस्किंग यानी किसी से कुछ चीज़ करने के लिए कहना, मांगने को भी आस्किंग बोल रहे, फॉर सम हेल्प, मैं केवल कुछ मदद मांग रहा था, यमराज हेल्प द ओल्ड मैन, यमराज ने बस थोड़ा सा बचा है, हेल्प्ड मदद की, हेल्प का सेकेंड फॉर्म हेल्प्ड, पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, इसलिए हेल्प का जगह हेल्प का यूज़ किया गया, बूढ़े आदमी की मदद की, टू कैरी द बंडल, कैरी यानी उठाने के लिए, बंडल यानी उस गठरी को उठाने में मदद की, एंड थॉट और सोचा विथ ए स्माइल,
एक मुस्कुराहट के साथ उन्होंने विचार किया, सोचा, क्या विचार किया, देखिए, ही डज नॉट बिलीव इन डूइंग वॉट ही सेज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वह जो कहता है, बिलीव यानी भरोसा है ना, वॉट ही सेज यानी वह जो कहता है उसे करने में विश्वास नहीं करता। समझ गया भाई, ये जो भी कहता है उस पर ये भरोसा नहीं करता। इसे लगा कि ऐसे बोल दूंगा क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन भाई तुमने तो कहा ना यमराज के साथ चलना है, चलो अब यमराज वहाँ पे आ गए, इसलिए कोई भी बात आप बोलते हो सोच समझ कर बोलिए। कभी कई बार बोलते ना, अरे यार इससे अच्छा तो मर ही जाता, कहो एकदम बहुत इच्छा रहती है, पता नहीं क्यों, तो दुख में है क्या है, बोलते रहते, पता चल रहा सही में ऐसा ना हो जाए, यमराज जी सुन ले, आ जाए, चलो भाई तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। फिर बोलेंगे नहीं यमराज जी मैं तो मजाक कर रहा था, तो मजाक तो सुनने वाले हैं नहीं। यहाँ पे शिक्षा तो यही मिलती है कि फालतू में आपको बेकार का है ना, किसी भी प्रकार की ऐसी बुरी बातें अशुभ बातें नहीं बोलनी चाहिए। ये केवल स्टोरी के रूप में समझाया गया, ऐसे यमराज किसी के बोलने से आ नहीं जाते हैं, आप भी मत डरिए। लेकिन कई लोग फालतू में बेकार में ऐसी चीज़ें बोलते रहते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने बोला यमराज जी आ गए, एक प्रकार से फनी स्टोरी के रूप में भी इसे ले सकते हैं, मोरल भी इसलिए कि आपको कभी भी किसी प्रकार की अशुभ बातें बुरी बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए। कई बार बोलते हैं पता नहीं, कई बार ऐसे होता भी है आप कुछ अशुभ बात बोल रहे हो घर में, ऐसे दुर्घटना या किसी प्रकार की गलत बातें भी हो जाती है। ऐसे नहीं है कि बोलने से होती है, लेकिन ऐसे हो जाती है, तो भाई ऐसी चीज़ बोलना ही क्यों, ऐसे ख़राब बातें करनी ही क्यों, ऐसे अशुभ बातें करनी ही क्यों। अच्छी अच्छी बात करें, अच्छे अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग रखें। पॉजिटिव सोचोगे तो कुछ पॉजिटिव होगा, हमेशा निगेटिव सोचोगे, निगेटिव अपने मन में अपने विचार को रखोगे तो आपके साथ निगेटिव ही होगा, पॉजिटिव क्या होने वाला है। सकारात्मक सोच के आगे कुछ काम करेंगे तो ज़रूर आपके साथ अच्छा होगा। ये थी आज की स्टोरी, छोटी सी, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब थी इससे पहले, अभी टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे ऐसे काम हैं, एडमिशन ओपन हो गया बच्चों के, स्कूल्स के बहुत सारे काम चल रहे हैं, और ग्रामर की वीडियो नेक्स्ट लाने वाला हूँ, हो सके तो कल ही ले आऊँगा, जहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत ज़रूरी बातें आपको बताने वाले। इसका भी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, पुराना PDF नहीं दिया उसके लिए सॉरी, वो भी आज प्रोवाइड कर दूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, टेलीग्राम में आप लोग जाके फॉलो कर लीजिए।